ओके, गुड इवनिंग लेडीज एंड जेंटलमैन, आपका स्वागत है हमारे नए ब्लॉग में। शाम के बज रहे हैं अभी 5:30, 5:30 इन द इवनिंग, आपको दिखाता हूँ 5:38 इन द इवनिंग। और हम लोग अपने घर पे, एक्चुअली हमारा एक क्लिनिकल ड्यूटी था तो उसकी वजह से हमने सुबह ब्लॉग चालू ही नहीं किया, और रात में बहुत ज़्यादा लेट सो गए थे तो अभी सुबह भी बहुत जल्दी ही उठ गए थे। तभी उस टाइम पे तो हुआ नहीं कुछ, अभी तो हम लोग निकल के गांव बोल रहे हैं, निकल के हॉस्पिटल गए, हॉस्पिटल से अभी घर पे ही आ गए। हॉस्पिटल से घर पे आने के बाद अभी पूरा जोश लोड किया है चाय के साथ, खाना थोड़ा सा, नाश्ता वगैरह करके, एंड अपना एकदम बेस्ट काम हम लोग अभी करने वाले हैं, वो है अनबॉक्सिंग। बहुत सारे गिफ्ट आ चुके हैं, ये है यहाँ पर गिफ्ट्स, अरे गिफ्ट ही गिफ्ट। बाकी के जो सेकंड टाइप के गिफ्ट है ये तो पैक्ड वाले गिफ्ट है, इसके अंदर कुछ है मालूम नहीं है क्या क्या है क्या क्या नहीं है, वो अब तक अपने को पूरा का पूरा मालूम नहीं है। अभी इसका अनबॉक्सिंग अपने तो करने ही वाले, ये नशेड़ी का काम है, ये नशेड़ी अपने काम आएगा आज, जो कुछ काम करने आता ही नहीं है, क्या पी रहे देखो, कुछ कभी काम नहीं आता ये बंदा, तो आज काम आएगा, क्योंकि ये काम करने के लिए हर किसी को पसंद है और ये बंदे को भी उतना ही ज़्यादा पसंद है। अभी सब का सब खोलेंगे, बट चलो अभी स्टार्ट कर दे, पहला वाला गिफ्ट है अभी निकालते हैं, चल चालू कर दे। ये पहले वाला किसका है देख ले भाई, ये नोट करना रह गया अपना अपने को, चल चालू कर बेड़ू। इसमें अभी क्या निकलेगा, ये मिस्ट्री बॉक्स खोलने जैसे नहीं लग रहा अपने को, रुको भाई 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 भाई, ये हमको मालूम पड़ रहा है क्या चीज़ है ये, धीरे धीरे हमको मालूम पड़ रहा है, ये वो चीज़ है जो हमारे घर पे है पहले से, वो भी दो है और ये तीसरा आ गया हमारे पास है, वो थोड़ा बड़ा है, ये छोटा वाला है, बट ठीक है, किसी को और को गिफ्ट करना पड़ेगा भाई अपने को। ये अपना जो नेक्स्ट वाला है वो है छोटा सा बट ठीक है, देखते हैं अभी क्या है इसके अंदर, एक्साइटमेंट अलग लेवल की है, आपको मैं बता से नहीं सकता, गिफ्ट रहते हैं ना वो हर किसी को एक्साइटमेंट लेके आते हैं, बट हमारे अंदर भी एक्साइटमेंट लेके आए, अनबॉक्सिंग कर रहे तो मज़ा भी वैसी आ रहा है। गेस करो बंदे क्या रहेगा, शोपीस लग रहा है, हाँ निकालो, क्या है बंदे भाई, भाई 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 क्या भाई भाई, मूर्ति राधे 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 गोविंदा, बाकी मूर्ति दी है, बड़ी अच्छी लग रही है, बहुत स्वीट से, अभी रखते इसको अंदर और थर्ड वाला निकाल दे, अभी क्या रहेगा गेस करो, नेक्स्ट गिफ्ट फ्रॉम क्या है, अननोन पर्सन, हाँ क्या रहेगा गेस तो करो, एक कुछ गेस नहीं कर ये रहा, ओपनिंग कर रहे एक दो तीन, ओए होए होए होए, ये इसमें भी राधे कृष्ण निकल गया सेकंड वाला। अभी दो फ्रेम है, ये एक है बट हैवी है, अभी देखते हैं इसके अंदर असली कांच रहेगा शायद से, कांच का वजन है इसका ऐसे लग रहा है मुझे, अभी निकाल इसको बाहर, चलो अनरिवील, राजे छत्रपति शिवाजी महाराज की जय, जय हो छत्रपति शिवाजी महाराज की, श्रीमंत योगी सिंहासनाधीश्वर, ये सबसे मुझे पसंद आने वाला चीज़ आया अभी ये वाला, अभी इसमें क्या देखने गया मेरे को सेम शर्ट नाव, ये वाला अभी, ये वाला में क्या देखते हैं, हाय 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 छत्रपति शिवाजी महाराज की जय, फिर से दो एकदम मस्त चीज़ें हमको मिली है, यहाँ से देखो दोनों भी चीज़ें हमको सबसे ज़्यादा पसंद आई, ये दो चीज़ें कोई भी गिफ्ट हो इनकी कीमत सबसे ज़्यादा होने वाली है हमारी ज़िंदगी में, ये बड़ा स्पेशल गिफ्ट होने वाला है क्योंकि क्षितिज भाई के कॉलेज के सर का गिफ्ट ने ये, अभी इसमें क्या है मालूम पड़ेगा, क्षितिज भाई एकदम एक्साइटेड में देखो कैसे चेहरा बना रहा है, चलो देखते हैं भाई क्या होगा, रिवीलिंग टाइम, राधे 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 भाई राधे राधे, एक नया गिफ्ट,
अभी देखते हैं इसमें क्या है। कुछ तो बवाल लग रहा है ये तो। क्या चीज है वे? कुछ अलग चीज निकली है ये तो, बहुत ही अलग चीज है। क्या है? लाइफ। ओ आई नो क्या 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 वो टर्टल रखते ना पानी में, टर्टल वाला उसमें उसका साइंटिफिक मालूम नहीं पर पानी कम होता है। पानी तो इवेपोरेशन से उड़ जाता है बेटो। ये कछुआ है, ये कछुआ दिया है, क्या मालूम नहीं क्या चीज़ है बट है, अच्छी चीज़ है, बड़ी अच्छी लग रही है। हाँ अभी अगला चीज़ जाने वाला है, ये वाला नया वाला गिफ्ट है। एक्सपेक्ट किया था वही निकला हमको दोनों को भी। बाउल से इसके अंदर चाइनीज बाउल है। हाँ और एक नया वाला, ये बड़ा दिख रहा है और बड़ी हल्का है। हल्की चीज़ें हमको पता चल रही है, हम लोग गेस कर सकते हैं। मोस्ट ऑफ ऑल रहेंगे तो प्रेम से रहेंगे। हाँ तो अभी इसमें भी वही रहेगा लग रहा है हमको, अभी देखते हैं। हम लोग का हो चुका है ये नीचे पूरा कचरा, देखो तू का हम दिखाते हैं। ये देखिए पूरा हो चुका है, उसमें से मोस्ट ऑफ ऑल तो 90% नहीं बोल सकते, 50% तो फोटो फ्रेम्स निकले हैं। उसमें से दो हमको सबसे ज़्यादा अच्छे लगे हुए, फर्स्ट है मैंने घर पे तक अभी दिए, वो आपको दिखाता हूँ। ये है वो एक नंबर, ये लगा के हो चुका है हमारे घर पे। और ये इसको भी लगाने का जगह ढूंढ रहे हम लोग, अभी देखेंगे कहाँ जगह मिल रहा है वो। एक्चुअली मैं यहाँ लगाने वाला था, यहाँ पर स्क्रू है बट वो जगह छोटा पड़ रहा है हमारे को, तो ये अभी ये कहाँ तो लगेगा बट लगेगा ज़रूर लगाएंगे ये, क्योंकि हमको छत्रपति शिवाजी महाराज का फ़ोटो चाहिए था और वो हमको मिल चुका है। एक हमारे रिलेटिव जैसे ही है, उन्होंने दिया है एक, और ये हमको मालूम नहीं कौन है बट वो जो है वो हम लोग ने वहाँ पर लगा दिया। अपने अभी अभी काम ख़त्म हो गए, इधर से लेके यहाँ से लेके दर्द हो रहा है मुझे, पूरा बैक पेन वगैरह सब कुछ हो रहा है। माय गॉड इतना दर्द मैं सह नहीं सकता, ऐसा वाला दर्द हो रहा है मुझे, भी समझ में नहीं आ रहा क्या करूँ। अगर मैं मूव मारूंगा तो यहाँ से कहाँ तक मारूँ, पूरा बॉडी पेन कर रहा है मेरा, हाथ मसल वगैरह सब। ये आम, ये वाला जो आम है ना, ये वाला आम और ये वाला आम में थोड़ा फर्क है, क्योंकि कल है ना मैंने वो कुर्ता पहना था रेड कलर का, तो वो रेड कलर का कुर्ता राइट हैंड के ना ये पॉइंट है यहाँ का, जो यहाँ वाला पॉइंट वह पॉइंट से ना ऊपर आ ही नहीं रहा था, और ये लेफ्ट हैंड वाला हाथ है ना वो आ रहा था। मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, ये हाथ है ना पूरा ऐसे स्वेलिंग हो गया ऐसे लग रहा है मुझे, क्योंकि डेली का आदत नहीं है और उसकी वजह से ये हो रहा है, प्रॉब्लम हो रहा है। अभी ब्लॉग वगैरह लॉन्च हो चुका है अपना, जाके ब्लॉग देख लो। हमारे बालों की स्थिति एकदम बेकार है, एकदम थर्ड क्लास ऐसे बाल मैंने काटे, मेरे को ऐसे लग रहा है। अभी ये बाजू के बाल जब तक आते नहीं है, मेरे को समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूँ, एकदम थर्ड क्लास। हर किसी का कमेंट यही है और मेरा खुद का भी कमेंट यही है, ऐसे लग रहा है मुझे। चलो ठीक है, वो सब चीज़ें तो ओके। हमारे गिफ्ट्स वगैरह तो देख के हो चुके, सब कुछ एकदम परफेक्ट ऐसे हो चुका है ऐसे मुझे लगता है। एंड अभी मुझे है ना एक असाइनमेंट करनी है, असाइनमेंट एक्चुअली वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो समझ में नहीं आ रहा मेरे एग्ज़ाम्स आ रहे हैं। अभी आज है 12 मार्च, आज है 12th of March और मेरी जो एग्ज़ाम है वो है 18th of March को, और इन लोगों ने बहुत सारे असाइनमेंट वगैरह दे के रखे हैं मेरे, माइक्रो टीचिंग्स बाकी है, प्रेजेंटेशंस बाकी है, इन लोगों ने एक ही वीक में सब कुछ दे के रखा है मेरे कॉलेज के बंदे ने। अभी मैं समझ में नहीं आ रहा है इसको एडजस्ट कैसे करूँ, मेरा ब्लॉगिंग शेड्यूल भी पूरा का पूरा बिगड़ चुका है ये जब से मैं ये क्लिनिकल ड्यूटीज़ को ज्वाइन किया, इसके पहले कभी नहीं हुआ था बट इस टाइम बहुत जल्दबाजी की जा रही है। इसके पहले भी हुई थी जब फर्स्ट सेमेस्टर था हमारा, वहाँ पर थोड़ा झगड़ा वगैरह हो चुका था बट अभी ये लोग ने फिर से वो चालू कर दिया है। मेरे को समझ में नहीं आ रहा भी कैसे अभी निकालूँ, वो प्लान में मेरे को बनाना पड़ेगा, अभी देखते क्या इसे कैसे मैं आउट करता हूँ ये। चलो ठीक है देखा जाएगा। मुझे ऐसे लगता है कि मैं अभी ख़त्म कर दूँ ब्लॉग, क्योंकि बहुत ज़्यादा पेन वगैरह हो रहा था, उसकी वजह से मैं अभी आगे तो कंटिन्यू कर नहीं पाऊँगा। तो मिलते हैं कल नए ब्लॉग में नए चूज़ के साथ, और यहाँ तक के रखते हैं, और जाके हमारे पुराने ब्लॉग्स देखो, बहुत खतरनाक है, बहुत एंटरटेनिंग है,
अभी तो आज का थोड़ा थका थका वाला था, बट उसके पहले वाले बहुत एनर्जेटिक चलते रहते हैं। सो जाके वो देखो, और नहीं तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करना मत भूलना, और मिलते हैं कल डायरेक्ट कल।